माँ की अधूरी ख्वाहिश। अपनी दोनों बहुओं को करवा चौथ की तैयारी करते हुए देख सावित्री जी अपनी बड़ी बहू सीमा से बोली, बेटा सीमा मेरे लिए भी एक नई साड़ी ला देना, मुझे भी अपनी करवा चौथ की तैयारी करनी है। तभी सीमा जहाँ लाते हुए बोली, माँ जी आपके पास तो इतनी साड़ी पड़ी है, पिछली बार भी पापा से आपने खरीदवाई थी, उसी साड़ी से काम चला लीजिए, वो भी तो नई रखी हुई है। तभी छोटी बहू बोली, इनको पैसा खर्च करने में बहुत मजा आता है। तभी सावित्री जी सहमते हुए बोली, बहू तेरे पापा जी को मुझ पर लाल रंग ज्यादा पसंद आता है, पिछली बार हरी साड़ी मैं अपनी पसंद से खरीद कर ले आई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पापा की पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनना चाहती हूँ। सास की बातें सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरों के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू सीमा अपनी छोटी देवरानी विजेता से बोली, लो विजेता इनको भी इस उम्र में सजना संवरना है, बुढ़ापे में भी लाल साड़ी पहननी है, इनको हमेशा बहुओं से कॉम्पिटिशन जो करना है। छोटी बहू विजेता भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वे मुँह ऐंठते हुए बोली, अरे भाभी यहाँ घर खर्चे पूरे नहीं होते, इनका अलग ही फरमाइश हो रही है। किचन से दोनों बहुओं की बुदबुदाने की आवाज़ सावित्री के कानों में सुनाई दे रही थी। सावित्री जी उदास मन से अपने पति विनोद जी के पास जाकर बैठ गई। विनोद जी अपनी पत्नी को हंसाने की कोशिश करते हुए बोले, अरे भाग्यवान क्या हो गया, आपका मुंह क्यों फूला हुआ है। इस पर हंसते हुए सावित्री जी बोली, करवा चौथ का पर्व आ रहा है, मेरा भी मन था कि आपके पसंद की लाल साड़ी पहनूं, लेकिन बहुओं को जैसी अपनी पसंद बताई दोनों आपस में मेरा मजाक बना रही थी। बुढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, मगर हूँ तो सुहागन, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं अपनी साड़ी के लिए खुद पैसे दे देती। अच्छा तो बस यही बात है, वो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो 500 बचे थे, ये लीजिए पैसे, आप इससे साड़ी मंगवा लीजिए। सावित्री जी ने पैसे ले जाकर रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की बौहें कुछ और ही ज्यादा चढ़ गई। तीखी नजरों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगी। ज्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वहां से निकलकर बाहर आ रही थी। तभी सीमा ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए। ओह 500 है, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा था, हमेशा तो कहती है बाबू जी के दवा में लग गए। उसी समय विजेता बोल पड़ी, अरे भाभी 2 दिन पहले देखा था, अम्मा को भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मर दिए, एक है जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरी जाती हैं, और एक तरफ इनकी अम्मा जो पैसे छुपा कर रखती हैं। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलती, मैं ला कर दूंगी ने लाल साड़ी, दांत पीसते हुए बोली। गेट के बाहर विनोद जी दोनों बहुओं की बातें चुपचाप सुन रहे थे, उनसे बिना बोले रहा नहीं गया। बोले, बहू ये मेरे वृद्ध पेंशन का पैसा था, बाकी सब दवा में खर्च हो गया, बस इतना ही बचा था, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, बुढ़ापा आ जाने के बाद क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? बेटा ये मत भूलो कि इस अवस्था से सबको गुजरना है, ये कहकर और बाहर अपने कमरे में चले गए। उधर करवा चौथ को 2 दिन बचे थे, सारा सामान आ चुका था। सावित्री जी भी बाट में थी कि बड़ी बहू साड़ी लेकर आएंगी। दोनों बहुएं बाजार से आ गई, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। सावित्री जी ने अपनी वही पिछले करवा चौथ की साड़ी निकाल कर रख ली। करवा चौथ के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के पास पहुंच गई और अपने पति के पास जाकर बैठ गई। पूजा के वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बाबूजी के पास बैठी थी। बेटा आया, अम्मा ओ अम्मा चलो पूजा का समय हो गया है, जल्दी बाहर आ जाओ। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बड़े प्यार से पूजा करी। उम्र भले ही 70 साल हो चुकी थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव में कमी आ गई हो। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद ये लगाव तो और मजबूत हो गया था, लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता था कि उम्र हो गई है तो एक ना एक दिन तो इन्होंने जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, ये सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल है। फिर उस मोह का क्या करें जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बन जाता है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह सावित्री जी सबसे पहले जग कर पानी गर्म किया, चाय बनाकर अपने पति को जगाने गई। कितना सो रहे हैं, अब जग भी जाइए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से एक बार बोली, तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ आपको, सुबह हो गई है, चाय पानी तो पी लीजिए। कोई जवाब ना मिलने पर वो बहुत घबरा गई और अपने पति के पास गई और जोर से चिल्लाने लगी। सभी बेटा बहू अभी सो ही रहे थे, सभी अपने अपने कमरे से निकलकर आ गए। तब तक विनोद जी भगवान को प्यारे हो चुके थे। देखते ही देखते सावित्री जी की आंखें खुली ही खुली पथरा गई। अब ना किसी को दवा की जरूरत थी और ना ही साड़ी की, सावित्री जी की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, जो माता पिता अपने सारे उम्र बच्चों की जरूरत पूरी करने में निकाल देते हैं, उम्र की अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं और एक दिन उनके साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अपनी ईशा की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।